Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi guys, आप देख रहे हैं सिमंदर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल. मेरा नाम है शिवपाल जैन. सो मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यूएस चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सीजीएमए जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वालिफिकेशन है, राइट. तो आज मैं आपको सीएमए यूएसए के बारे में बताना चाहूँगा और सीएमए यूएसए का स्कोप क्या है इंडिया में. और बहुत सारे बच्चे ये क्वालिफिकेशन कर रहे हैं इंडिया में जो कि अभी बहुत ही डिमांड में है कॉर्पोरेट्स में. तो आज हम सीएमए यूएसए के बारे में जो लेटेस्ट 2020 के चेंजेस है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे. और हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि सीएमए यूएसए का डिफरेंसेस क्या है और इंडिया का जो ICAII का क्वालिफिकेशन है कैसे ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है. तो सीएमए यूएसए जो कि पॉपुलरली सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वालिफिकेशन है, तो ये क्वालिफिकेशन डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग एनालिसिस और कॉस्टिंग के बारे में ज़्यादा बात करता है. तो इसमें ये क्वालिफिकेशन का स्कोप इसलिए ज़्यादा है इंडिया में क्योंकि बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस जैसी प्रोफाइल है उसमें बहुत सारा डिमांड है और उसके रिक्वायरमेंट्स ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनीज ज़्यादा आ रहे हैं भारत. सीएमए यूएसए और ICAII, तो ICAII जो है बॉडी ICAII का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी IMA और सेम सीएमए यूएस का भी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, दोनों बॉडीज का सिमिलर नॉमनक्लेचर है. ICAII में 20 पेपर है जो कि फाइनल के 8 पेपर है, ICAII इंटर के 8 पेपर है और फाउंडेशन के 4 पेपर है. तो मिला के कुल मिलाकर 20 पेपर है और सीएमए यूएस के आपके सिर्फ 2 बुक है. आप देख सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2, राइट. तो हम लोग बेकर के पार्टनर्स हैं तो बेसिकली ये 2 बुक है जिससे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं और इसके अलावा हम लोग उनको मॉक टेस्ट बैंक देते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं एडिशनल क्वेश्चंस दे दे के, दूसरे रिव्यू प्रोवाइडर्स को भी इन्वॉल्व करके, एंड वी गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पैटर्न टू द स्टूडेंट्स. तो इसमें सीएमए यूएसए का एग्जाम के 100 MCQs हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है. जो भी आपके इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. तो 75% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सीएमए यूएसए में, 25% एसए का वेटेज है. 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पार्ट 1 में, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 2 में, 2 एसेज आपको पार्ट 1 में, 2 एसेज आपको पार्ट 2 में. एग्जाम सीएमए यूएसए का आप 6 महीने में लिख सकते हो साल में, और 3 विंडो है जनवरी फरवरी मई जून सितंबर अक्टूबर. तो ये महीनों में आप कौन से भी दिन आप सीएमए का एग्जाम दे सकते हो. आप पार्ट 1 या पार्ट 2 एक दिन में एक ही पार्ट लिख सकते हो, आप दोनों पार्ट नहीं लिख सकते. तो एक पार्ट आप एक दिन लिखोगे, दूसरा पार्ट एक दिन लिखोगे और शेड्यूल करके आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम देना पड़ेगा. तो 3 साल का टाइम है. आप जैसे ही एंट्रेंस फीस भरोगे सीएमए यूएसए का, 3 साल का आपका टाइम है कि आपको अपना सीएमए यूएसए का क्वालिफिकेशन पास करना पड़ेगा. समझिए केस में जहां पे आपने एक पार्ट पास किया है और 3 साल में दूसरा पार्ट पास करने में आप नाकामयाब रहे तो आपको फिर से ये दोनों पार्ट देने पड़े. तो 3 इयर्स इज अ मैक्सिमम टाइम लिमिट. और वहीं हम देखते हैं ICAII का बेसिकली 5 साल का टाइम लगता है ICAII को खत्म करने के लिए. तो थोड़ा बहुत ड्यूरेशन ICAII का ज्यादा है और बहुत इनडेप्थ है. और सीएमए यूएसए भी इनडेप्थ है बट वो बारीकी जो सब्जेक्ट रेलेवेंट नहीं है, जो कंटेंट रेलेवेंट नहीं है उस पर वो लोग टेस्ट करते नहीं है. जैसा आप देखोगे अभी सीएमए यूएसए का जो स्ट्रक्चर है उसमें एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो कि नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कॉन्सेप्ट और कंटेंट ज्यादा अपडेटेड है. और अब ICAII जब हम देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जो ज़्यादा अभी ट्रेडिशनल है एंड इज नॉट बिकमिंग मच रिलेवेंट नाउअडेज. जो हमारे MNCs है, जैसे हम जब बात करते हैं इन्फोसिस के CFO से या कॉग्निजेंट के एक्सेंचर के लोग से, और वो लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी के फाइनेंस के लिए रिलेवेंट है. तो हम सोचते हैं कि सीएमए यूएसए का जो कंटेंट है अभी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि जो 2020 में उनका कोर्स कंटेंट चेंज हो रहा है 1 जनवरी 2020 से, तो उनका कंटेंट अभी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स पे फोकस्ड है जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस अब अपना कंटेंट चेंज कर रहे हैं. जैसे सीमा वॉज अ फर्स्ट अकाउंटिंग बॉडी और अब सीएमए यूएसए भी कर रहे हैं और CPA भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स को लेके आए. तो बहुत सारे अभी कंटेंट एनालिटिक्स पे ज़्यादा है
एंड आई थिंक सीएमए यूएसए का क्वालिफिकेशन इसलिए थोड़ा बहुत फेवरेट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं जॉब मार्केट के लिए, तो सीएमए यूएसए का पैकेज बेसिकली अराउंड रहता है 4.5-5 लाख का पैकेज रहता है, तो वो एंट्री लेवल का है विदाउट एक्सपीरियंस एंड ऑल, और आप ग्रेजुएशन करते करते भी सीएमए यूएसए का क्वालिफिकेशन कर सकते हो, आपको सिर्फ इंटरमीडिएट पास रहना चाहिए और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप इवन यू जस्ट नीड टू बी एन इंटरमीडिएट पास, तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में आप सीएमए यूएसए का क्वालिफिकेशन दे सकते हो। तो आपको 7 साल का टाइम है, आपको अगर आईएमए का सर्टिफिकेट चाहिए सीएमए का तो आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा और वर्क एक्सपीरियंस जो कि हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को, हम लोग इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सीएफओस के साथ हमारे कनेक्ट्स हैं जहां कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस सब साथ साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम स्कॉलरशिप्स भी आईएमए का है, जब अगर ग्रेजुएशन में हो और फुल टाइम पढ़ रहे हो बीकॉम में तो आपकी कॉलेज आपको अपॉइंट कर सकती है स्कॉलरशिप के लिए एंड यू कैन गेट इन टच विद अस, हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं स्कॉलरशिप में भी। तो करीबन आपको खर्चा सीएमए का 1 लाख 1 लाख 20 हजार तक खत्म हो जाएगा पूरा सीएमए का क्वालिफिकेशन। अगर हम आईसीडब्ल्यूआई को देखें तो करीबन तकरीबन अगर कोचिंग और ट्रेनिंग और एग्जाम फीस ऐड करें तो 2 लाख तक तो हो ही जाता है, तो वो हिसाब से एग्जाम भी इंडिया में होता है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सीपी एग्जाम्स में आपको बाहर जाना पड़ता है, सीबीएसई में एग्जाम्स में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में भी लिख सकते हो एग्जाम और बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया में, हैदराबाद में भी एक सेंटर है, बैंगलोर में सेंटर्स है, दिल्ली में है, तो आप इंडिया में भी एग्जाम लिख सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत है नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, जो लोग सीएमए करते हैं हम उनको सीपीए के लिए भी एंकरेज करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सीएमए यूएसए का क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक बहुत अच्छा अकाउंटिंग कोर्स है जो कि सीपीए यूएसए, वो भी 4 एग्जाम ही है। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम सीएमए यूएसए जब वो पास होते हैं हम लोग उनको जॉब देते हैं और वहीं उनको सीपीए यूएसए के लिए भी पुश करते हैं ताकि उनके पास एक ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन हो और ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन हो। और सीएमए यूएसए का इंटरनेशनली रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन है, सीपीए यूएसए सीएमए यूएसए दे आर ऑल रिकग्नाइज इंटरनेशनली, तो आप कल अब्रॉड जाना चाहते हो कनाडा यूएस और एनी प्लेसेस, आई थिंक सीएमए यूएस मिडिल ईस्ट में अभी बहुत पॉपुलर है और कनाडा में भी इनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। यूएस में अभी ऑनेस्टली बोलूँ तो सीपीए इज मोर रेलेवेंट है, तो सीएमए का उतना क्वालिफिकेशन यूएस में उतना एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है जॉब मार्केट में, बट जॉब्स आ रहे हैं, बट जैसे सीपीए का जॉब मार्केट है वैसे सीएमए यूएसए का उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये है पार्ट वन और पार्ट टू, आपके दो ही बुक है, तो एक पार्ट में आपको स्ट्रेटजी, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूएस गैप, आईएफआरएस और इंटरनल कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इस पर पार्ट वन बात कर रहा है, और पार्ट टू जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन एनालिसिस, ये सब पार्ट टू का कंटेंट है। करीबन 360-500 का क्वेश्चंस है अराउंड, तो 360 आपको लाने पड़ेंगे राइट, तो ये आपका पैटर्न रहेगा सीएमए यूएसए के लिए। और देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑल्सो, देर इज अ रिवर्स एमओयू जो सीएमए इंस्टीट्यूट का है आईएमए के साथ, दूसरे इंस्टीट्यूट्स और बॉडीज के साथ, एसीसीए में आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं अगर आप सीएमए यूएसए का क्वालिफिकेशन पास करते हो, सो देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑल्सो आफ्टर फिनिशिंग द सीएमए यूएसए एग्जाम।